तो मैडम आज आप मुझे अपनी सीक्रेट जगह दिखाने वाली हैं। बताओ ना कौन सी जगह है वो। अगर अभी बता दिया तो सीक्रेट कैसे रह जाएगा, थोड़ा इंतजार करो। अच्छा बाबा बस इतना तो बता दो कि पहले किसके साथ गई थी तुम तो? अकेले। झूठ। वे सीक्रेट जगह तो हमेशा किसी स्पेशल के साथ जाया जाता ना। क्या हुआ? पता नहीं इंजन बंद पड़ गया। तो आप स्टार्ट नहीं होगी? कोशिश करते हैं। लेकिन सिद्धार्थ ने बताया नहीं कि उसकी गाड़ी खराब है। कुछ हेल्प करो। प्लायर दो। इसे कहते हैं प्लायर। तुम्हें सच में नहीं पता कि इन सारी चीजों को क्या कहते हैं? हमारे पास गाड़ी नहीं थी बीच रास्ते में खराब होने के लिए। हम जहां जाते थे पैदल जाते थे। फिर से चुप करवा दिए मुझे। ये पकड़ो। फिरेन। गाड़ी ठीक करो। ठीक है तो तुम स्क्रू ड्राइवर दो। ठीक है। फिर ये बड़ा वाला। बड़ा वाला स्क्रू ड्राइवर तो नहीं है? नहीं है। ध्यान से देखो अंदर ही कहीं पड़ा होगा। नहीं है वीरेन, लगता है कोई रखना भूल गया होगा। तो पैदल चलते हैं ना। मेरी जान को मैं पैदल थोड़ी ना लेके जाऊंगा। एक काम करो डिक्की में देखो शायद वहां पे होगा। ठीक है। ना 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 ना। यहां नहीं है वीरेन। ध्यान से देखो कारपेट के नीचे होगा। सिद्धार्थ की तरफ इशारा कर रही। फिर भी मेरा मन क्यों नहीं मानना चाहता कि सिद्धार्थ ने ऐसा किया होगा।
बिना स्क्रू ड्राइवर की गाड़ी सही करती। तुम्हारी सवारी चलने के लिए तैयार। अरे ये क्या, ये रस्सी कहाँ से आई? फिरीन, जो रस्सी का फंदा हमारे कमरे में था वो इसी रस्सी में से था। लेकिन ये सिद्धार्थ की गाड़ी में कैसे? ये तुम्हें यहाँ डिक्की में मिली? लेकिन निवेदिता, हो सकता है ये कोई और रस्सी हो। सिद्धार्थ साइड पे जाता रहता है, उसे वहां पे इसकी जरूरत पड़ती होगी। फिरें, हम घर चलते। इसका मतलब तुम मुझे अपनी सीक्रेट जगह नहीं दिखाओगी? फिर कभी वीरेन, अभी मुझे घर जाना है, प्लीज। लेकिन क्यों निवेदिता, अब तो गाड़ी भी सही हो गई है, पर हाँ रास वाले इस रस्सी का वो तो मैं पता लगा ही लूं कि यहाँ कैसे है। वो बात नहीं है, बस अभी मुझे घर जाना है। जब तुम्हारी बाइक ठीक हो जाएगी तो हम तुम्हारे बाइक से चलेंगे। ठीक है। वाह वीरेन, एक और कर अपनी मंजिल की ओर। निवेदिता, क्या हुआ? तुम मुझे मिल सकते हो सजौली वाली पहाड़ी पर? मुझसे मिलना है, वो भी वहां? क्यों? कुछ बात करनी है सिद्धार्थ, बहुत जरूरी बात। सब ठीक तो है ना निवेदिता? मुझे बताओ तो सही कि बात क्या है। मैं अभी नहीं बता सकती। ठीक है, मैं अभी निकल रहा हूँ, मैं तुम्हें वहीं पर मिलता हूँ। मुझे क्यों बुलाया निवेदिता? क्योंकि जो बात मैं तुमसे करना चाहती हूँ वो घर पे नहीं हो सकती। ऐसी क्या बात है? कोई परेशानी है तुम? यही तो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ सिद्धार्थ, क्या परेशानी है तुम? हमारे बीच जो कुछ भी था वो कब का पीछे छूट चुका, सब कुछ खत्म हो चुका है। हाँ, ये किस्मत का अजीब खेल है कि हम फिर भी एक ही छत के नीचे, लेकिन हम अपनी अपनी जिंदगी में इतने आगे बढ़ चुके, फिर तुम्हें क्या परेशानी? क्या? ये तुम क्या कह रही हो निवेदिता? तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो सिद्धार्थ कि मैं क्या कह रही, मगर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि मुझे पागल साबित करके तुम्हें क्या मिलेगा। क्या चाहते हो कि मैं एक दिन सचमुच पागल हो जाऊं? ये तुम्हें क्या हो गया निवेदिता? ये क्या कह रही हो तुम? किस बात का दोष दे रही हो मुझे? जो तुमने किया है उसका सिद्धार्थ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इस हद तक जा सकते हो, मुझसे इतनी नफरत करोगे कि मेरी जिंदगी तबाह कर दोगे। कई बार मुझे तुम पर शक हुआ क्योंकि मेरा दिल ये मानना ही नहीं चाहता था, लेकिन अब मुझे कोई शक नहीं। हर वो चीज जो मेरे साथ हुई है उन सब के पीछे सिर्फ तुम थे सिद्धार्थ। तुम्हें कोई गलत फहमी होगी निवेदिता, मैं क्यों करूंगा ये सब, मैं क्यों तुम्हें इस तरह? सिद्धार्थ, और झूठ नहीं सुनना है मुझे, ये इल्जाम बेबुनियाद नहीं है, इन सबका सबूत है मेरे पास। जब जब मेरे साथ कुछ हुआ तुम वहां थे और ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा। तुम्हारे अलावा और ये कोई कर ही नहीं सकता है सिद्धार्थ। अब तुम झूठ के पर्दे के पीछे नहीं छुप सकते, तुम्हारा असली चेहरा सामने आ गया। तुम ऐसा सोचती हो मेरे बारे में? क्या तुम्हें वाकई लगता है कि ये सब कुछ मैं कर सकता हूं? हाँ,
जब भी तुम्हारे साथ वो सब कुछ हुआ मैं था वहां पर, लेकिन इससे ये तो साबित नहीं होता ना कि वो सब कुछ मैंने किया। दिमाग से नहीं दिल से सोचो निवेदिता, कि क्या मैं तुम्हें परेशान कर सकता हूं? मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूं निवेदिता, और ये बात तुम भी जानती हो, तो फिर तुम कैसे यकीन कर सकती हो कि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता हूं? मैं भी यही मानती थी सिद्धार्थ, इसलिए आज तक सच देख कर भी अनदेखा करती रही मैं। कब से ये बात मुझे कचोट रही थी, लेकिन ये कहकर मैं अपने आप को समझाती रही कि सिद्धार्थ ऐसा नहीं कर सकता, और फिर सच सामने आ ही गया। उस फोन की लाइन तुमने शुरू करवाई, ये सच नहीं है तो और क्या है? तो फिर मैं ये कैसे मानूं कि तुमने उस पे कभी फोन ही नहीं किया? सफेद कमीज पहने मुझ पर हमला करने वाले तुम थे, ये सच नहीं है तो और क्या है? ये वो सिद्धार्थ नहीं है जिसे मैं जानती थी, जो मेरा दोस्त था, जिसे मैं दिल और जान से प्यार करती थी, ये तो कोई और ही इंसान, एक ऐसा इंसान जो अपने अहम के लिए किसी की भी खुशियों को बर्बाद कर सकता है, जिससे मेरी क्या अपने बीवी और अपने भाई तक की फिक्र नहीं। तुम तो इंसान कहलाने के लायक ही नहीं हो सकता। बस निवेदिता चुप हो जाओ, मैं अपनी सफाई में कुछ कह नहीं रहा हूं, इसका यह मतलब नहीं है कि मैं गुनहगार हूं, पर बदला मैं नहीं, बदली तुम हो निवेदिता। तुम वो निवेदिता नहीं हो जो सच और झूठ पे फर्क करना जानती थी, जो लोगों को दिल से पहचानती थी, भरोसा करती थी, जो मेरे प्यार को पहचानती थी। वो निवेदिता नहीं हो तुम, क्योंकि अगर वो निवेदिता तुम होती तो तुम्हारा दिल इस बात पर यकीन करता कि मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कहां गई वो निवेदिता, कहां गई मेरे पुत्र? तुमने उसे मार डाला सिद्धार्थ, एक बार नहीं बार बार उसका खून किया, पहले उसके प्यार का, फिर उसके भरोसे का, और जब कुछ बाकी नहीं रहा तो उसके उम्मीदों का भी कत्ल कर दिया तुमने। और उसके जिम्मेदार तुम हो, सिर्फ तुम। मैं बेगुनाह हूं निवेदिता, और मैं तुमसे वादा करता हूं कि इसके पीछे जो भी गुनहगार है उसे मैं सामने लाकर रहूंगा। शायद उस दिन तुम्हें मेरी बात पर यकीन। ये कभी नहीं होगा सिद्धार्थ, ये तुम भी जानते हो और मैं भी, क्योंकि गुनहगार कोई और है ही नहीं। मैं तुमसे नफरत करती हूं सिद्धार्थ, नफरत। सिद्धार्थ, तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए चली गई वो, अब कभी वापस नहीं आएगी। दिल टूट रहा है ना तुम्हारा, बहुत दर्द हो रहा होगा ना, और मैं वादा करता हूं तुमसे कि अब हमेशा इसी तरह दर्द से कराते रहोगी तुम, और मैं तुम्हारी ये हालत देख खुश होता रहूंगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस YouTube पेज को।